नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। मोहम्मद जावेद। अच्छा, क्या करते हैं? चाय दूध का काम करते हैं। अच्छा, ये किसका कौन से पैकेट में चूहा निकला है? ये शुद्ध दूध का है और 10-12 पैकेट इसको मोटो कहते हैं, उसी वही दूध है। कब मंगाया थे दूध आपने? ये 4 दिन पहले मंगाया था तो हमने अधिकारियों से बात किया तो हमको माने कि 4 दिन से हमको दरकार है कि मैं अपने बड़े अधिकारियों से बात कर रहा है, फिर आपका मैं समाधान करूंगा। अभी तक कोई समाधान ही नहीं कर रहा है और आज भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वार्ता मेरी हो रही है बड़े अधिकारियों से और फिर बताएंगे। अच्छा। कोई कार्रवाई ना करिएगा, किसी से बताइएगा नहीं। दूध लेके गए थे, इसमें चूहिया निकली। किस यहाँ फिर हम अच्छे भाई से लेके गए थे दूध, यहाँ हमने कंप्लेन किया तो इन्होंने जो यहाँ देते हैं दूध उनके पास कंप्लेन की। वो आए भी थे हमारी, उनकी बात हुई तो कहा कि हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे। उसमें ये 3-4 रोज हो गए, कोई अभी हमको डिटेल ही नहीं बताया। किस कंपनी का दूध है ये? ये शुद्ध कंपनी का है दूध। कितने वाला पैकेट है ये? 10 वाला है मोटू। एक शुद्ध कंपनी का दूध है, बाराबंकी कोई डेयरी है, उसके दूध के पैकेट में चूहा निकला हुआ है। अगर वो दूध पी लिया जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्या कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, अभी ये आपके द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है और इस पर फिर मैंने जो है अपने जो लोकल FSO हैं उनको निर्देश दे दिया है कि इसके बारे में पता करें कि डीलर कौन है और कहाँ से ये दूध आ रहा है। इसकी हम लोग सैंपलिंग कराएंगे और जहाँ जहाँ भी ये दूध बिक रहा है वहाँ से अलग अलग सैंपलिंग भी करवाएंगे जिससे इसकी जांच हो सके। नहीं, सवाल इस बात का उठ रहा है कि ये दूध यहाँ पे बिक रहा है, कम से कम सालों से बिक रहा है दूध। खाद्य रसद के बाद आप लोगों के पास संज्ञान नहीं आया कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्शन बिक रहे हैं? देखिए, ये इस तरह का दूध है कि इसका कोई इस्टेब्लिश ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं है या लाइसेंस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से जानकारी विभाग के पास नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबर के लिए मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।